वहां से आप पहले देश, उसके बाद फिर मैं सोचा देश के लिए कुछ करना। झंडा अपना ऊपर आया ना था, मैं तो जीत गया लाइफ में। अपना नाम से झंडा चढ़ाया, पीछे से अपना नेशनल स्टैंडर्ड से शुरू हो गया हमारा ये जर्नी। सारे स्पोर्ट्स में मैं पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसमें कोई सपोर्टर नहीं है। अपना लाइफ के हर माता पिता इन लोग बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, हर आदमी को पढ़ाई नहीं होता। उसके साथ कुछ तो है, वो एक एक बंदे को कुछ कुछ है। वो सोच गए, मेरा पापा ने पहले देख लिया तेरे को वो कर सकता है। फिर मैं स्पोर्ट्स में सारे देगा, मतलब उनके लिए सपोर्टर के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो स्पोर्ट्स स्कूल का नाम तक नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल उसके ऊपर लाना ही कोई नहीं है। अपना अपना नाम हो गया, इसका करियर क्या है कुछ नहीं देख रहा, उधर तक छोड़ दिया। उस टाइम फिर कुछ नहीं है, ऐसे चल रहा था। जिम में ज्वाइन किया, मेरा बाजू में एक सुरक्षाटन बोल के एक बंदा था, उनके तरफ से मैं जाके जिम ज्वाइन किया। तब बॉडी बनने लगा, उसको पता चला हाँ बॉडी है तो अपना बॉडी अपना है, तब आगे जा सके। फर्स्ट कॉम्पिटिशन उतरा, उधर में जीत गया, तब मेरा जर्नी उधर से स्टार्ट। सब जूनियर मिस्टर कॉटन से मेरा जर्नी स्टार्ट। तो आपकी फैमिली में पहले से भी कोई बॉडी बिल्डिंग में था या? तब उसी तरह से मेरे को जॉब भी मिला इंडियन नेवी। तो वहां से आप पहले देश, उसके बाद फिर मैं सोचा देश के लिए कुछ करना है। उसी तरह से मैं आया देश के लिए 2013-2014 सब नाम ही दिया, हमारा इंडियन नेवी को भी दिया और अपना भारत के लिए किया। हाँ मिस्टर एशिया मिस्टर वर्ल्ड है सब नाम पे, वो भी झंडा अपना ऊपर आया ना तब मैं तो जीत गया लाइफ में। बिल्कुल, वो खुशी एक अलग सी होती है जहाँ पे अपने देश का झंडा चढ़े और जो पीछे जो अपना नेशनल एंथम बजता है तो उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल, अरे शायद वो फीलिंग्स को ही वही वो फील, है जो वो फील अभी आया सामने दिख रहा है। दूसरा कंट्री उधर अपना फ्लाइट मेरा नाम से, वो इमोशन बहुत बोल नहीं पड़ रही। तो ये कब कब हुआ जब मतलब आपने ये आपने मेडल जीता और ये आपको क्या हुआ ना, मतलब मेरा वाइफ है उसी जब मेरा बेटी था उनका बहुत सपोर्ट था उसके लिए, क्योंकि मेरा वाइफ प्रेगनेंट का टाइम था, बच्चे का था, फिर ठीक नहीं मेरे को नेवी में क्या पता है ना उसी तरफ से थोड़ा तकलीफ बहुत तकलीफ था। उसको करने के लिए क्या मेरा घर देखना है, मतलब बॉडी बिल्डिंग करना है, उसी तरफ से पैसा का प्रॉब्लम ये सब आ रहा है, फिर भी कैसे मैनेज किया मेरा वाइफ। ये इस साल का 2018 का 2018 का पता नहीं था हमको नेशनल और ये मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन है पता नहीं, मैं ड्यूटी पर था तो सारे मेरे को कॉन्टेक्ट कर रहे थे, मेरे को फोन नहीं उठा पाया। तो मेरा वाइफ को फोन करके पता है अपना बंदे ने, तो मेरा वाइफ तुरंत मेरे लिए खाना सब मेरे को तो पता नहीं था, तो तुरंत खाना सब रेडी करके रखा था। मैं फिर उसको बोला अरे मेरे को जाना है, आज ही जाना है पूना में मिस्टर इंडिया है, सारे रखो। इतना मैं उधर से फोन करके बता रहा, आधा घंटे उधर से इधर आधा घंटा है मेरा सारे रेडी, खाना रेडी सब रेडी पहले से रेडी करके रखे है। मतलब आपसे ज्यादा वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत किया मेरे। तब दो बच्चे, मेरा बेटा भी है बेटी भी था, उसको सबको संभाल के भी, बेटी तो स्कूल में जा रही है वो भी देखा, सब देख के भी मेरा काम करके रखा था। मेरे को इतना था उधर से आओ खाना खाओ कॉम्पिटिशन जाओ, इतना ही हो गया, बाकी पूरा इसी करके दिया था मेरे भाई। तो फुल सपोर्ट ज्यादा उनसे ज्यादा मेरे को इसके लिए। और दूसरा बात यही है, मैं उस टाइम में सोचा
मेरा हिम्मत में छोड़ा नहीं और कंटिन्यू रखा। उसी साल में मिस्टर इंडिया टाइटल भी मारा, उसी साल मेरठ में हुआ मेरा, 2013 की बात है। अकेले आया एंट्री सक्सेस मेरा वारदी आया। मैं ऐसे मेरी में आया तो अब वैसे उधर से स्टार्ट हो रहा है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गया यूनिफॉर्म में। सारे ट्रेनिंग किया, सारे ट्रेनिंग कोई भी मैं छोड़ा नहीं, पूरा कंप्लीट करके चिल्का 6 महीना और कोची में 8 महीना। इसके बीच में दूसरा स्टोरी होगा, मुरली तो बॉडी बिल्डिंग छोड़ के चला गया, वो डाइविंग बोर्ड के लिए गया, स्विमिंग टीम में चला गया, फिर एकदम कम बैक आके मैं पूरा सर्विसेस मिस्टर सर्विसेस मार के मेरा प्रमोशन होके उधर में मेरा लाइफ ट्रेनिंग वहीं से चेंजेस स्टार्ट हुई। हमारे बाहर के जैसे सिस्टम नहीं है, अंदर इंडिया के अंदर वो उसके लिए एक देखे एक अच्छा बॉडी बिल्डर है वो थोड़ा टाइम देख नहीं, जैसे हम जानते हैं, हम जैसे वरिंदर घुमन को जाते हैं, आप अपने अपने आप में आपकी इतनी बड़ी बॉडी है, संग्राम शोभले का नाम है, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कंपेरेटिवली उसी लेवल के हैं, उसी बॉडी का है, तो फिर वो उसके लिए वही बोल रहा हूँ। उधर है ना एक, मैं तो देखो फैमिली देखना है, जॉब देखना है, उसके साथ बॉडी बिल्डिंग देखना है, ये सब काम करना है, उनका एक ही जॉब है, एक ही काम करना है, सीधा स्टेज में चढ़ना है। लेकिन किस तरफ से हमारी कमी है कि हम वो टाइटल नहीं लेके आ पाते, किस में कमी रह जाती है हमारी? कमी मतलब सारे उनके उधर डॉक्टर्स न्यूट्रिशन उतना सपोर्ट, बाइक सपोर्ट उनको दे रहे, अगर उनको कुछ हो गया तो सेम टाइम उनको क्लेम करके आराम से, हम अगर फाइनेंशियली बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत नॉर्मली एक बंदा को कुछ इंजरी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेगा, कौन है खुद कर से पैसा निकालते, इसके लिए उसके लिए कोई गवर्नमेंट। आप क्या चाहते हैं कि अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके मिस्टर ओलंपिया जैसे टाइटल के लिए कॉम्पीट करे, तो उसके लिए उधर क्या सपोर्ट चाहिए? उसके लिए और भी है, एक बंदे को उधर सेलेक्टेड होने लो 120 kg चाहिए, मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन करने 120 kg का मसल्स, इसके लिए अमेचर, हाँ अमेचर ओलंपिया बोल के एक कॉम्पिटिशन है, उधर उतरना गया, उतरने के बाद उधर से प्रो कार्ड मिलेगा, प्रो कार्ड मिलने के बाद इसके लिए बहुत खर्चा है, उसके लिए उस लेवल जाने के लिए हमारा इधर कोई उसके लिए तकलीफ कोई नहीं रहती, कितना खर्चा करें उसके लिए कोई, बाकी देखिए क्रिकेट बाकी सबने ज्यादा पैसा सारे स्पॉन्सर करते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए एक आदमी इतना मेहनत कर रहा है इसके लिए सपोर्ट करने इधर कोई नहीं है। तो मैं तो इंडियन नेवी में, मेरे को माइनस जो दे रहे इसीलिए मैं आगे जा पा रहा, नेवी की तरफ से सपोर्ट मिल, सपोर्ट बहुत मिल रहा है, तो साथ वाला ये नहीं बोल रहा, बाहर से भी मेरे को सपोर्ट दिया है, मतलब मेरे को भी लिमिट है, उनको भी देने के लिए लिमिट है, मैं सर्विस में इसलिए। तो मैं तो इतना तकलीफ लिया वो मुझे पता है, वो दूसरा बंदा कितना तकलीफ लेगा वो मुझे पता नहीं, मतलब पूरा स्ट्रगल किया, स्ट्रगल नहीं ले पाएगा, तो कभी कभी खाना छोड़ना पड़ता है, ये डाइटिंग टाइम ये सब कोई भी नहीं कर सकते, मतलब